हाय आप कौन? विवेक। हाय कैन इज इट? कैसी हैं आप? नाम क्या है आपका? आप मुझे जानते हैं? मैं आपको नहीं जानता। आप मुझे जानती हैं? फिर भी तो मैं आपसे बात करने आ गया ना। तमन्ना भाटिया। देखिए आप बहुत प्यारी लग रही हैं, किसी ने बताया आपको? कोई है ही नहीं बताने वाला। वाह, वैसे आप बहुत सुंदर हैं, सच बता रहे हैं हम आपसे। आप इतना इमोशनल क्यों हैं? क्यों बता नहीं सकती हैं आप? आप सच्ची में मुझे इमोशनल लग रही हैं। आप देखिए सब लोग यहाँ पे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इंजॉय ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बहुत इमोशनल लग रही हैं। अरे अरे बस ऐसे। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ बताएं तो यार। आप करती हैं? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा, पढ़ाती हैं आप बच्चों को? तो आप इतना इमोशनल क्यों लग रही हैं? आप तो दूसरों को खुशी देती हैं, पढ़ाती हैं बच्चों को, पढ़ा के आप आईएएस पीसीएस बनाती हैं, कलेक्टर बनाती हैं, और आप ऐसे इमोशनल हैं, रो रही हैं। अच्छा थोड़ी ना लगता यार, आप काफ़ी मैच्योर लग रही हैं मुझे। बस ऐसे खास बात। अब देखिए नहीं बताएंगे तो हम जबरदस्ती नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं आपको नोटिस कर रहा था, वहाँ बैठा था 1 घंटे से आप लाइक रो रही थी। अच्छा मुझे नोटिस कर रहे थे? हाँ मैं आपको नोटिस कर रहा था। अब देखना तो कोई गुनाह नहीं है। हाँ जी ये तो है। तो मैं आपको देख रहा था तो आप रो रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करना चाहिए, सो मैं चला आया। बाय द वे आप बहुत प्यारी हैं, सो फ्रेंडशिप करेंगे आप हमसे? आप बेटा भी तो आपको मैं जानती भी हूँ ढंग से। हाँ ये भी बात आपकी सही है यार, जान पहचान हम करते हैं ना। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। आप दिल्ली से ही हैं? चलिए फिर हम शादी कर लेते हैं। हाँ? हम शादी कर लेते हैं। ऐसे कैसे? मैं तो अभी आपको जानती भी नहीं। आपने कहा आप सामने से बस मेरे को रोते हुए देख रहे थे, तो आप मेरे को पूछने आ गए कि क्यों रो रही हूँ, तो ऐसे नहीं, हम तो वो मजाक कर रहे थे लाइक। अच्छा आप बताइए क्यों इतना परेशान थी हम? अरे बस कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड से मेरा डाइवोर्स हो गया। हस्बैंड से मेरा डाइवोर्स हो गया, मतलब यार मैं इतनी बुरी दिखती हूँ कि वो मेरे से डाइवोर्स ले। आप बहुत प्यारी दिखती हैं यार। मतलब यार मैं नवरात्रों में हमेशा व्रत रखती हूँ, और आज भी मैंने व्रत रखा है, और वो मेरे से ऐसे डाइवोर्स ले रहे हैं। मतलब मेरे सच में मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कितनी गंदी दिखती हूँ, कि शायद इसीलिए। मतलब यार क्या ही बोलूँ यार। आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं, किसने बोला आप अच्छी नहीं दिखती हैं? आप ये बताएं मुझे यार, अगर दिखती होती ना तो डाइवोर्स नहीं। पता है वो सुंदरता देखन वालन के आँख में होगा, वो घटिया आदमी होगा तो आपकी सुंदरता नहीं देख पा रहा होगा। पता नहीं, मैंने अपने तरफ से बहुत प्यार किया, बट उसने मुझे हमेशा लाइक अपनी जूतियों के समान समझा, और लाइक कभी मुझे कोई वैल्यू नहीं दिया। प्यार तो दूर की बात, एक वैल्यू होती है एज अ मेम्बर और एज अ फैमिली मेम्बर, वो भी नहीं दिया। तो बाकी मैं क्या ही बोलूँ आगे, आप खुद समझता हो समझो। अब मैं यार क्या बोलूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा यार। आप इतनी सुंदर हैं, अगर आपके बारे में कोई बंदा ऐसा सोचता है तो सुंदरता सब कुछ सोचना होती है, वो आपका दिल भी मुझे चाहिए होती है वो सुनने के लिए। वो तो किस बात पे डिवोर्स हो रहा है लाइक? मुझे नहीं पता, वो बस वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं, और अगर वो ले रहे हैं तो फिर ऑफकोर्स ये बात है मेरे को भी लेना ही पड़ेगा। जब इंसान मेरे साथ रह के खुशी नहीं है, तो मैं फिर उस इंसान के साथ रह के क्या करूँ? सिंपल सी बात है। आई बोलूँ डाइवोर्स का रीज़न यार बस यही है कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर, मैं महीने के 42-40 हज़ार तो कमाती हूँ, उसमें पूरा घर चलाती हूँ, और वो पूरा दिन कुछ नहीं करता, बस आराम से घर पर बैठे वैसे होता रहेगा। मतलब कुछ नहीं करना, मन किया तो बाहर चला गया, गांजा फूक गया, दोस्तों के साथ शराब पी ली, बस शराब पी के आ गया। पियक्कड़ होते हैं ना बिल्कुल, वो मेरे घर में और मेरा ही खुद का हस्बैंड, और ऊपर से ऊपर ये भी कि मतलब इतना पैसा मेरे घर वालों ने शादी में दिया, मेरी गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरे से शादी इसीलिए की गई थी क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब थी और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। बाद में उसकी डिमांड्स बढ़ती रही, दौरी, दहेज लेना बार बार, कभी कितने लाख, कभी कितने लाख, कभी कुछ चाहिए, घर गए हैं तो अच्छा कुछ पसंद आ गया तो वहाँ से उठा लाना,
मतलब कब तक मेरे माँ बाप उन्हें वो चीज़ें देते रहेंगे कब तक? और मैं मतलब इतनी बुरी हूँ अपने माँ बाप की, पहले मेरे लिए मेरे माँ बाप है और मैं उनका ना करके मतलब उसका उसका पेट भर रही हूँ अपनी पैसों से, उसको वो भी कम पड़ रहा है। ऐसे तो इससे बेटर है कि सच में हम लोग अलग ही रहें। अब बर्दाश्त नहीं है, बस की नहीं है, मतलब कब तक मैं उस इतने बड़े इंसान को बच्चों की तरह पाल रही हूँ, वो जो इंसान कुछ नहीं करता। मतलब धीरे 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 पैसे की उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि आज जाके वो कहता है कि मुझे 15 लाख चाहिए। मतलब अब मेरे घर वाले उसके लिए 15 लाख, इतने साल हो गए शादी को यार, वो कब से कितनी डिमांड कर चुका है। अगर इकट्ठा कर देखा जाए ना, पूरा मैथमेटिक्स सोल्यूशन निकाला जाए, तो अभी तक ना वो 40 लाख ले चुका है और अब उसे इकट्ठे 15 लाख भी चाहिए। पता नहीं क्या करेगा, कहाँ जो आते हैं पैसे वो उसके पास रहते हैं, वो कहाँ उड़ाते कहाँ नहीं उड़ाते मुझे नहीं पता। से बस की नहीं है, मेरे माँ बाप हैं यार, वो कब तक वो उसको पालेंगे? वो मुझे पाल कर उन्होंने यहाँ भेजा था कि मैं बाकी सबको देख रेख करूँगी और मुझे वो संभालेंगे। यहाँ तो उल्टा ही है, इससे बेटर है नहीं मत ही रहो ऐसे इंसान के साथ जो पूरा हमारे को बेच के खा जाए। बस और क्या, उनको कितना पैसा चाहिए? 15 लाख मांग रहे हैं। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर आप उनके साथ रहना चाहती हैं तो मैं आपको 15 लाख रुपए दे दूँगा। अरे नहीं, मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं आपको 15 लाख रुपए दे दूँगा। अरे तो बात देने की नहीं है, तो 15 लाख मांग रहा है, कल वो 30 मांगेगा, कल को बोलेगा लाओ अपना घर बेच के मेरे को मेरे नाम करा दो, वो तो ये भी मांगेगा। वो करने के लिए वो ही है ना, जब तक मैं करूँगी वो मांगेगा, उसकी डिमांड्स बढ़ेंगी। नहीं मेरे को रहना ही नहीं है यार, बिल्कुल न्याय से इंसान के साथ रह के क्या फ़ायदा, जिसके लिए सब कुछ उसका नशा है तो नशे के साथ रहे वो इंसान। फ़ोन पे बात करने के लिए मैं फ़ोन करती हूँ कहाँ है पूछती हूँ तो गाली देता है, इवन ढंग से बात नहीं करता, बताता नहीं है, मेरे ऊपर शक करता है, मैं बाहर जाती हूँ मैं कुछ करती हूँ, बट नहीं मेरे बस की है, मैं इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती। इससे बेटर है खुद अकेले रहो, बच्चों के साथ मैं खुश हूँ अपने एज अ टीचर, गवर्नमेंट टीचर बनकर। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके पर्सनली, और आप बहुत प्यारी इंसान हैं, और मैं अपनी तरफ से आपको 15 लाख रुपए दूंगा। नहीं अरे कोई बात नहीं, मेरी बात सुनिए आप पहले, देखिए बात तो सुनिए एटलीस्ट, बात यहाँ पैसे की नहीं है, बात यहाँ दिल की है यार, आप बहुत अच्छी हैं। बात दिल की, मैं सुनिए मेरी बात, देखिए लिसन, समझने की आप कोशिश कीजिए, मैं आपके हस्बैंड से मिलना चाहता हूँ। नहीं नहीं अरे आप क्यों मदद करोगे, वो इतने पैसे डुबा चुके हमारे, तो अब आप मदद करके अपने पैसे को ढूंढवाना चाहते हैं। आप उसके साथ रहना चाहते हो? नहीं अब जो इंसान मेरे साथ नहीं रहना चाहता मैं उसके साथ नहीं, सुधर जाए तो शायद मैं उसके साथ रहना फिर पसंद करूँगी, बट मुझे नहीं लगता वो सुधरेगा कभी भी, मेरे को नहीं लगता बिल्कुल, 1% भी होते ना होप बिल्कुल भी नहीं है उस इंसान से। रहिए आप, मैं आपको अपनी तरफ से 15 अरे नहीं नहीं छील मारिए आप, कोई बात नहीं, आप रहें या ना रहें, और मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, आप बहुत परेशान लग रही हैं मुझे, वहाँ पे कैमरा लगा रखा है और ये सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये चीज़ें मैं यूट्यूब पे लोगों को दिखाऊँ। वो तो ठीक है, बट मैं किसी से मदद नहीं ले सकती, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी सुधरा नहीं है आज तक। एक मौका देना चाहिए उसे, बहुत मौके दिए हैं, कितने मौके, वो इंसान की डिमांड हमेशा आए होंगे मुझे पता। कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे दे दूंगा, अगर आप उसके साथ रहना चाहोगे तो भी ठीक है, नहीं भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इतने अच्छे हो तो आप ही मुझसे शादी कर लो। नहीं लाइक छोड़िए, मतलब फिर भी मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप मेरी दोस्त हैं अच्छी, और दोस्त की नज़र में दोस्त अच्छा होता है ना, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। खैर छोड़िए, आइए मेरे ऑफिस में आइए। कितनी प्यारी हैं बताइए, खुद ही 40-42 हज़ार कमाती हैं, और यार अगर इन जैसे इंसान को लोग परेशान करते हैं यार तो अच्छा नहीं लगता यार।